पूरे देश में रामनवमी की धूम, मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, पटना और रांची में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लूटपाट के दौरान हुई थी पटना के दवा कारोबारी अनिल अग्रवाल की हत्या, पटना पुलिस का खुलासा, 6 में से 4 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेगूसराय में 1100 बोतल देसी शराब बरामद, जमीन में दबा कर रखी गई थी बोतलें, मामले में 2 लोग हुए गिरफ्तार। वित्त मंत्री अरुण जेटली और अमेरिकी वीजा पर जताया कड़ा रुख, कहा वीजा शुल्क में बढ़ोतरी उचित नहीं, प्रभावित होंगे भारतीय आईटी कंपनी। आज से दिल्ली में ऑड इवन का दूसरा चरण शुरू, दिल्ली सरकार की तैयारी पूरी, बसों और मेट्रो ट्रेन के फेरे बढ़ाए गए, 30 अप्रैल तक चलेगा ये चरण।